बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। 70 ईयर ओल्ड विनोद खन्ना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पिछले कुछ समय से जूझ रहे थे और आज सुबह 11:20 पर बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर विनोद जी ने ली अपनी आखिरी सांस। विनोद खन्ना के डिमाइस की न्यूज से पूरा बॉलीवुड गमगीन है। जूम ऑफिस अपनी फिल्म राबता को प्रमोट करने पहुंची एक्टर कृति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत इस न्यूज को सुनकर शॉक्ड नजर आए। वेल इट्स वेरी वेरी सैड एंड आई जस्ट आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स एंड आई ऑलवेज रिमेंबर हिम एज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मेन एंड एक्टर्स दैट वी हैड इन दैट टाइम। सो या इट्स वेरी सैड एंड माय कंडोलेंसेस विद द फैमिली। I've seen it when I was a kid and I still don't know how to deal with it. And obviously I've seen his lots and lots of films and very, very skilled actor and a very good human being. I had an opportunity to meet him also. Okay. So yeah, I just got to know and I still don't know how to process it. So my condolences, that's it. Pura Bollywood yakeen nahi kar pa raha ki unke favorite actor ab is duniya mein nahi rahe. Akshay Kumar ne Vinod Khanna ji ko yaad karte hue likha, "Sad to learn about the passing away of Vinod Khanna sir, one of the most charismatic actors, truly end of an era. Condolences to the family." वही विनोद खन्ना जी के साथ काम कर चुके एक्टर ऋषि कपूर ने इमोशनल होकर लिखा, "We'll miss you Amar, rest in peace." ऋषि कपूर और अक्षय कुमार के अलावा पूरा बॉलीवुड सोशल मीडिया पर विनोद खन्ना जी को याद कर रहा है। विनोद खन्ना जी ने 1969 में कुछ छोटे रोल से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही समय में अपने दमदार एक्टिंग की बदौलत वो बन गए बॉलीवुड के बेताज बादशाह। विनोद खन्ना ने मेरे अपने, इंसाफ, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, दयावान, द बर्निंग ट्रेन जैसी सुपरहिट फिल्म्स में अभिनय किया और आज उनके गुजरने के बाद पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। रेस्ट इन पीस सुपरस्टार विनोद खन्ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।